हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो गुड नोट्स ऐप, जो कि काफ़ी पॉपुलर है आपके iOS डिवाइस के लिए, जो कि आईपैड में आप देखिएगा मैक्सिमम यूजर्स जो होते हैं आईपैड के, वो गुड नोट्स को ज़रूर यूज़ करते हैं नोट मेकिंग के लिए। फाइनली वो एंड्रॉयड के लिए भी आ गया है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो गुड नोट्स ऐप है वो मी पैड 5 में कैसे वर्क करता है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको अभी रुकना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर भी वो सॉल्व कर दूँगा। तो सबसे पहले हम पेन को कनेक्ट कर लेते हैं और देख सकते हैं पेन कनेक्ट हो चुका है। और अब हम गुड नोट्स जो कि देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम है iOS की तरह ही है, जो इसका लोगो है आइकन, तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका होता है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको न्यू पर टैप करना होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ मिलता है जैसे नोटबुक फोल्डर, इंपोर्ट इमेज, टेक फोटो, क्विक नोट, ये सब कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जब हम देखेंगे तो क्या करते हैं, नोटबुक क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आपको जैसे नाम देना होगा और यहाँ पर कवर है तो पोर्ट्रेट है, तो चलिए इसको हम लैंडस्केप में कर देते हैं। तो अब इसको हम लैंडस्केप में कर लेते हैं। तो लैंडस्केप में जैसे अब इसमें सब देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कॉमन सिंपल, ये सब बिल्कुल बेसिक बेसिक ऑप्शन होते हैं। तो हम चलिए इसको हम इस पर कर देते हैं। और पेपर में आपको देखिए यहाँ पे आपको A7 A6 ये सब कुछ टाइप्स मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, मैं स्टैंडर्ड पर ही रहने दूँगा। और यहाँ पर डार्क पेपर में आप देखिए येल्लो पेपर, वाइट पेपर, ऑल पेपर, मतलब सब कुछ इसमें आपको शो होगा। तो हम डार्क ही रहने देते हैं या इसको चलिए हम इसको वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ब्लैंक जो है यहाँ पे क्रिएट नोटबुक पे टैप करते हैं। तो देखिएगा जैसे ही मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्चुअली दोस्तों ये ना अभी पूरी तरह से स्टेबल मैं नहीं कहूँगा, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ये फोल्डर का ऊपर का हो गया हिस्सा और ये रहा आपका जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने वाइट किया था ये पता नहीं क्यों इस तरीके का हो गया, तो टेम्पलेट हम इसका बदल देते हैं और अब इसको हम इसको वाइट पर टैप करके अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम अप्लाई पर टैप करेंगे तो यहाँ पे ये वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो की है आपका ये पेन के हो गया, आपको फाउंटेन पेन, बॉल पेन, ब्रश पेन और यहाँ पर ड्रॉ एंड होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है और डिस्कनेक्ट स्टाइलस का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो वर्क वैसे करता है नहीं क्योंकि आप देखिएगा तो अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये कुछ अभी भी बग्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करते हैं। तो आपको फाउंटेन पेन, बॉल पेन, ब्रश पेन, आपको ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बगल में आपको मिल जाता है यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक सा सब में रहता ही रहता है। और फाउंटेन पेन रखिएगा तो इसमें आपको पता ही होगा प्रेशर सेंसिटिविटी रहेगा इसमें, जो जितना आप डार्क करिएगा उतना डार्क लाइन होता जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे डार्क है। और लाइट करिएगा तो लाइट लाइन रहेगा। इरेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है तो आप आराम से इरेज कर सकते हैं इसको, तो एकदम ईजिली इरेज हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर आप जिससे कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ आपको इम्पॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तरह से हाइलाइटर की तरह मिल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जैसे ड्रॉ इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें अगर इसको ऑफ कर दीजिएगा तो फिर आप जिस तरीके का ड्रॉ करिएगा उस तरह से ये हो जाता है, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन कर दीजिएगा स्ट्रेट लाइन तो फिर यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है। कुछ शेप एंड साइज का भी ऑप्शन, जैसे आप सर्कल बनाए तो सर्कल हो गया, ट्राइंगल बनाइएगा तो ट्राइंगल हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी आप ड्रॉ किए हैं और उसको आप इधर उधर करना चाहते हैं थोड़ा सा साइड वगैरह तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कट कॉपी डिलीट रिसाइज कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर मिल जाते हैं जो स्टिकी नोट्स के लिए भी सही, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपको स्टिकर्स में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, ये सब माइंड मैप्स के लिए इस तरह का यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़े से हैं और उतना तो मुझे नहीं लगा स्टिकर उतना भी, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, काफ़ी कम ही है बट ठीक है। और यहाँ से आप जो भी इंसर्ट इमेज, कैप्चर फोटो ये कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप कुछ भी लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं।
वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप कुछ लिखेंगे, तो जैसे यहाँ अगर हम लिखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आप लेना चाहें कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। इरेज़ करने के लिए आप इजीली इसको इरेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इरेज़ करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप इरेज़ यहीं से कर सकते हैं, यहीं से आपको इरेज़ करना होगा, तो फिर वो इरेज़ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे आपको नॉर्मल इस तरीके से आपको मिलता ही है हर पेन में, तो एक तरह से हाईलाइट मतलब इस तरह से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन है, एक पॉइंट का ऑप्शन है और एक आपको अंडरलाइन टाइप से इस तरीके का भी हो जाता है, तो ये भी एक अलग ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आपको इसको ऑफ कर दीजिएगा तो फिर आपका समझ लीजिए कि अब आप हाथ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से पेज को इंसर्ट करने के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपका पाम को मतलब डिटेक्ट पाम रिजेक्शन जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ रखने के बावजूद भी कुछ लिख नहीं सकते हैं, आपको पेन पे ही लिखना होगा, पेन से ही लिखना होगा। तो पाम रिजेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं इजीली कहीं भी कोई भी पाम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत कम ही है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और साइन आउट वगैरह, मतलब समझ लीजिए दोस्तों अभी भी ये ना बिल्कुल बीटा फेज में है, तो हम इस पर कितना भरोसा करेंगे। बाई चांस अगर कोई इशू होता है तो आपका सारा नोट्स गायब हो सकता है। तो मेरे तरफ से अगर कहा जाए तो अभी ये उतना अच्छा नहीं है कि आप इसको iOS से कंपेयर करिए। iOS में बहुत फीचर है, जैसे यहाँ पे कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे वॉइस नोट, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वॉइस नोट भी ऑप्शन होता है, सर्च का ऑप्शन नहीं है, सर्च भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो ये सब अभी ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से टेम्पलेट, रोटेट पेज, क्लियर पेज, डिलीट पेज, यहाँ पे पेज मतलब आपको इंसर्ट करना हो बिफोर तो बिफोर, तो आफ्टर तो आफ्टर, टेम्पलेट बदल सकते हैं, तो अभी टेम्पलेट कुछ खास नहीं है। तो अभी सीधी सी बात यही है कि अभी बहुत कम फीचर्स हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा अभी इसको अपडेट आने वाला है। फिलहाल समझ लीजिए बीटा स्टेज ही है, यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ भी इशू होता है किसी भी तरीके से तो आपका नोट्स जो है वो गायब हो सकता है, और फिर वो कहाँ से आप उसको वापस लेगा, ये भी दिक्कत है। और यहाँ से आपको शेयर करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आप शेयर एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंटरफेस की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी टाइप शेयर अगर करिएगा तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। और सेटिंग में कुछ खास सेटिंग आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपको सिंपल सेटिंग जाइएगा तो नोटिफिकेशन बस दिखेगा, जो कि बहुत सा बेसिक सा है, कुछ मतलब नहीं बनता इसका। मैनेज अकाउंट का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखिए अपग्रेड टू गुड नोट्स प्रो, ये जो है ना ये फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि मुझे नहीं लगता है कि इसको लेना फ़िलहाल सही है, तो आप इस पर इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा। खैर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं गुड नोट्स फॉर एंड्रॉयड है, आपको 699 अ ईयर लगेगा, जो ट्रायल आपका कुछ दिन का रहेगा, दो तीन दिन का, उसका फिर ये 7 डेज ट्रायल रहता है देखिए यहाँ पे, और उसके बाद आपको 699 अ ईयर लगेगा। गुड नोट्स प्रो में क्या रहेगा कि आप एंड्रॉयड में भी यूज़ कर पाइएगा नोट्स को, विंडोज़ में भी, वेब में भी, iOS में भी, तो ये कुछ ठीक है, बट फिर भी काफ़ी अ ईयर मीन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो क्यों इसको मतलब यूज़ करना। उससे अच्छा गुड नोट्स 5 जो था वो iOS के लिए ज़्यादा बेटर है, और 6 जो है वो उतना मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें पैसा आपका मंथ मतलब ईयरली लगेगा। तो फिलहाल एंड्रॉयड में गुड नोट्स ऐप अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है कि आप इसको डेली यूज़ कर सकें। अब आप अच्छे तरीके से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी वेट करिए, अभी लगभग 2-3 महीना और लगेगा, इसमें काफ़ी नए नए अपडेट्स आएंगे। और फिलहाल दोस्तों ये ना सैमसंग के टैबलेट्स जो हैं उनके लिए बना है, जो कि इतना ही फीचर आपको मिलेगा तो कुछ खास नहीं है, तो आपके पास अदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको देखिए, जैसे जे नोट्स हो गया, फिर आपका नोट, जैसे कि मेरे पास एक ऐप है नोट वाइज ऐप हो गया, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं टच नोट्स है, फिर इनक्रेडिबल है, ये सब जो भी ऐप्स है ना ये नोट मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और ये जेनोट्स तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ज़्यादा फीचर वाला ऐप है। तो दोस्तों यही था वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।